का जो सिक्स्थ पार्ट है लास्ट पार्ट, उसमें दो इक्वेशन दे रखी, दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम उसको क्या कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। तो जैसे कि पहले इक्वेशन लेते हैं, डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 6। तो 2 3 जा 6, 3 into 3x आपका हो जाएगा 9x, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, 2 into 5y हो जाएगा आपका 10y equals to minus 2। तो ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x minus 10y, 6 into minus 2 क्या हो जाएगा minus 12। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन आपकी 1। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन आएगी आपकी 2, यहाँ पे 3 और 2, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 6, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, 2 into x 2x, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, 3 into y 3y equals to 13y6। तो ये हो जाएगा 2x plus 3y, ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/6 into 6, clear है? ये 6 इधर जाएगा, तो ये 6 और ये 6 कट जाएगा, 2x plus 3y is equals to क्या आएगा 13। तो ये हो गई इक्वेशन आपकी 2। तो अब इसमें बस खास ध्यान ये रखनी है आपको कि अब आपको पहली वाली इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप रख करके हटा सकते हैं। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन है, एक है 9x minus 10y, यहाँ लिख लेते हैं equals to minus 12, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x plus 3y equals to 30। तो ये दो इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें से हमको आपका आंसर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 9x equals to क्या हो जाएगा minus 10y, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो minus 12 plus क्या 10y। ठीक है, क्लियर। अब x निकालना है तो क्या होगा, 9 क्या आ जाएगा उधर जाएगा, तो minus 12 plus क्या 10y by क्या 9, क्योंकि यहाँ पे 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर, तो putting the value of x, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, putting the value of x, ये जो x की वैल्यू है किस इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड में। तो putting the value of x in equation क्या सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या है 2x plus 3y equals to क्या 30। तो x क्या है 2 into x है minus 12 plus 10y, minus 12 plus 10y by 9 plus क्या 3y equals to 30। क्लियर है, x की जो वैल्यू थी वो मैंने सेकंड इक्वेशन में x की जगह पुट कर दी। तो यहाँ पे ये तो कट नहीं सकता, 2 into minus 12 हो जाएगा minus 24 plus 2 into 10 ये हो गया 20y by 9 plus 3y equals to 30। क्लियर है, तो अभी यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो हम क्या ले सकते हैं 1। तो 9 और 1 में एलसीएम क्या आएगा 9, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। 1 के टेबल में 9 9 टाइम्स, और 9 इंटू 3y क्या हो जाएगा 27y इक्वल्स टू क्या 30। क्लियर, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है 20y और ये है 27y, तो 20y और 27y कितना हो जाएगा 47y है ना, माइनस 24 बाई 9 इक्वल्स टू क्या 30, माइनस 24 ये रहा, और उन दोनों को ऐड कर दिया। अब ये 9 कहाँ जाएगा इधर, तो 47y माइनस 24 39 जा होता है 170। क्लियर है, और माइनस 24 उधर जाएगा तो 47y इक्वल्स टू 117 प्लस क्या 24, तो 47y क्या आएगा 141, तो y क्या आएगा 141 बाई क्या 47, क्योंकि 47 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 47 3 जा होता है 141, तो y कितना है आपका, y आया आपका 3, तो y अभी 3 आ गया हमारा। तो अब याद रखिएगा, ठीक है, y क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, तो y तो मिल गया हमको 3, तो y की वैल्यू हमारी आई 3। तो x क्या था, x था आपने पहले भी पढ़ा था माइनस 12 प्लस 10y बाई 9, तो x क्या होगा माइनस 12 प्लस 10 इंटू वाई की जगह 3 बाई क्या 9, तो x क्या होगा माइनस 12 प्लस 10 3 जा 30 बाई 9, 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 18 बाई 9, 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स, तो x क्या आया 2, तो इसका सॉल्यूशन x 2 आया, y कितना आया 3, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है।